हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। एल एम एंड एन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द इक्वल प्रोपोर्शन। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट शो एज फॉलोज। उसके आगे लिखा हुआ है द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। न्यू रेशियो दिया हुआ है इनका 4:2:1। For this purpose, goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average period of the last 4 years, which were, इसमें हमें goodwill calculate करना है average profit method वाले formula से। 4 year का profit and loss दिया हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है they further agreed that provision for doubtful debts be increased by 2000, revaluation का adjustment दिया हुआ है। ये तीनों point, partners do not desire to record the revised values of asset and liabilities in the books. They also desire to leave the reserve and surplus undistributed. देखिए इसका क्या मतलब है इस पॉइंट का, ये अभी हम सॉल्यूशन करते वक्त समझेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एफेक्ट टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाई पासिंग अ सिंगल जनरल एंट्री। ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट। तो देखिए इसमें हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है एंड जनरल एंट्री बनाना है। बहुत सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, टोटल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे बच्चों को याद होगा। टोटल प्रॉफिट 2013 में लॉस हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको 20,000 प्लस 48,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000। कितना हो जाएगा ये 48,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000, ये हो जाएगा 1,88,000। 1,88,000 माइनस 20,000। 20,000 हम माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि लॉस आया है, ये लॉस को हम माइनस करते हैं प्रॉफिट में से। ये कितना हो जाएगा 1,68,000 टोटल प्रॉफिट निकल गया। अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना ईयर है, 1, 2, 3 एंड 4 डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 1s 4 एंड 4 4s 16 4 2s 8। 42,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया 42,000। अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आया 42,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना दिया हुआ है 2 ईयर परचेज, यहाँ लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 42,000 इनटू 2, ये हो जाएगा 84,000। गुडविल आ गया हमारा 84,000। आंसर मैच करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 84,000। इसके बाद देखिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है ये सब बच्चों को आता होगा। इसका फॉर्मेट भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, देखिए फर्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी इंक्रीज बाय 2000। डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो गया 2000 से, इट मींस लायबिलिटी बढ़ी है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो उसकी एंट्री किस साइड होती है, डेबिट साइड में। जब कंपनी का लायबिलिटी बढ़ेगा तो कंपनी का लॉस होगा, तो उसकी एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जब इंक्रीज होता है उसकी एंट्री डेबिट साइड में होती है, एंड जब डिक्रीज होता है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं। यहां इंक्रीज हुआ है 2000 से, यहां बाय लिखा हुआ है बाय 2000, तो डायरेक्ट हम यहां लिखेंगे 2000। ये हो गया
सेकेंड पॉइंट देखिए, स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक जो है वो 20% से बढ़ गया, इसका वैल्यू 20% से बढ़ गया, इट मींस एसेट इंक्रीज हुआ है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो जब एसेट इंक्रीज होता है उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं, यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक कितने से बढ़ा है, 1,80,000 का हम 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, वर्किंग नोट में करेंगे, 1,80,000 इंटू 20/100 इंटू 36, 1, 2 and 3, ये हो जाएगा 36,000। इसकी एंट्री यहाँ करेंगे 36,000, जितने से वैल्यू बढ़ता है उसकी एंट्री हम यहाँ करते हैं। एंड उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 10% से घट गई, एसेट डिक्रीज हुआ है, कंपनी का लॉस हुआ है, उसकी एंट्री हम करेंगे डेबिट साइड में, टू फिक्स्ड एसेट 2,20,000 का हम 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 22,000। देखिए इधर 2,20,000 इंटू 10/100 ये हो जाएगा 22,000, इसको हम यहां लिखेंगे 22,000, ये हो गया। थर्ड पॉइंट, क्रेडिटर्स भी टेकन एट 49,000। क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, ये 58,000, 58,000 से 49,000 क्रेडिटर्स हो गए, इट मींस क्रेडिटर की वैल्यू घटी है, तो इसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। क्रेडिटर्स की वैल्यू घटा है, इट मींस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो इसकी एंट्री हम इस साइड करेंगे बाय क्रेडिटर्स। कितने अमाउंट से वैल्यू घटी है, 58,000 माइनस 49,000 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9,000, यहाँ लिख देंगे 9,000। क्रेडिट साइड हम टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 36,000 प्लस 9,000 ये हो जाएगा 45,000। एंड डेबिट साइड टोटल करेंगे ये हो जाएगा 24,000, माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 21,000। देखिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 21,000। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, आपके क्वेश्चन में एक न्यू पॉइंट लिखा हुआ है, पार्टनर्स डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक। इट मींस जो एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज हुई है, तो पार्टनर्स नहीं चाहते हैं कि बैलेंस शीट में, रिवाइज्ड बैलेंस शीट में जो अभी हमें न्यू बैलेंस शीट बनाना है उसमें चेंज करके वैल्यू लिख के, जो वैल्यू इसमें है सेम यही वैल्यू हमें न्यू बैलेंस शीट में भी लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है पार्टनर्स डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जैसे स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया है 36,000 से, तो जब हमें न्यू बैलेंस शीट अभी हमें बनाना है तो उसमें ऐड करके हम नहीं लिखेंगे, सेम ये 1,80,000 लिखेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, दे आल्सो डिजायर टू लीव द रिजर्व एंड सरप्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इट मींस पार्टनर्स रिजर्व एंड सरप्लस वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोग ने पढ़ा होगा, जब रिजर्व एंड सरप्लस वाला अमाउंट पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, उस केस में जनरल एंट्री क्या बनता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बनता है ना, तो हमें वही वाला जनरल एंट्री बनाना है। तो देखिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वाला अमाउंट, गुडविल का अमाउंट एंड रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट, इन तीनों को हमें ऐड करना है। इन तीनों को ऐड करने के बाद पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, एल का करेंगे पहले। एल का होल रेशियो कितना है, 1/3 माइनस न्यू रेशियो कितना है, 4/7, कितना हो जाएगा ये, एल से मुझे आएगा इसका 21, 3 7 21, 7 1 7 माइनस 7 3 21, 3 4 12। सेकंड देखिए, एम का ओल्ड रेशियो है 1/3 माइनस न्यू रेशियो है 2/7, यहाँ न्यू रेशियो दिया हुआ है, एल से मुझे आएगा इसका 21, 3 7 21, 7 1 7 माइनस 7 3 21, 3 2 6, ये हो जाएगा 12 माइनस 7 ये हो जाएगा, सॉरी ये 5 हो जाएगा, माइनस 5, 7 माइनस 6 ये हो जाएगा 1/21। एन का देखिए, ओल्ड रेशियो है 1/3 माइनस न्यू रेशियो है 1/7, ये हो जाएगा 21, 3 7 21, 7 1 7 माइनस 7 3 21, 3 1 3, ये हो जाएगा 4/21। तीनों पार्टनर्स का गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। देखिए अब हम
रिवैल्यूशन के प्रॉफिट को प्रॉफिट कितना आया 21,000 प्लस गुडविल का अमाउंट कितना है 84,000 प्लस रिजर्व कितना है 42,000। इन सबको ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1,47,000। 1,47,000 को हम पार्टनर्स के गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए इधर करेंगे 1,47,000 इनटू पहले एल का करेंगे, एल का कितना आया -5/21। गेनिंग है ये हो जाएगा गेनिंग रेशियो एंड ये दोनों हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 5/21 21 एंड ये हो जाएगा 21/7/147। 5/7/35 ये हो जाएगा 35,000। एम का देखिए 1,47,000 इंटू कितना है 1/21, ये हो जाएगा 21/21 एंड 21/7/147 ये हो जाएगा 7,000। सेम ऐसे ही एन का भी करेंगे 1,47,000 इंटू 4/21 7/4 28 आ गया 35,000 7,000 एंड 28,000। देखिए इसका हमें जनरल एंट्री बनाना है। यहाँ जो लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू पास सिंगल जनरल एंट्री, तो अब देखिए इसका हमें जनरल एंट्री बनाना है कैसे करेंगे। देखिए जो पार्टनर्स गेन करते हैं उसकी एंट्री हम डेबिट में करते हैं, तो इसमें एल ने गेन किया है, यहाँ हो जाएगा एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम एंड एन ने सैक्रिफाइस किया है, यहाँ हो जाएगा टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा अमाउंट, यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया 35,000, एम में हो जाएगा 7,000 एंड एन में हो जाएगा 28,000। जनरल एंट्री भी इसका बन गया। आंसर मैच करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देखिए 21,000 एंड एडजस्टमेंट एंट्री एल का 35,000 एम एंड एन का 7,000 एंड 28,000 ये भी हो गया। अब देखिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे इसका। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को आप ये ना लिख के ये सिर्फ 21,000 लिख दीजिएगा, बैलेंस कर लेंगे हम, क्योंकि गुडविल वाला अमाउंट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड सरप्लस तीनों को ऐड करने के बाद पार्टनर्स की गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए आप यहाँ प्रॉफिट डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा एंड बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाना बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पार्टनर्स डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू, चेंजिंग जो वैल्यू चेंज हुई है वो हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, सेम यही वाला वैल्यू हमें रिकॉर्ड करना है। देखिए यहाँ हो जाएगा क्रेडिटर्स लायबिलिटी एंड एसेट, आप लोग कर लेना खुद से लिख लेना। यहाँ आया क्रेडिटर्स में कितना है 58,000, सेम यहाँ पे लिख देंगे 58,000। क्रेडिटर्स के वैल्यू डिक्रीज हुआ है लेकिन हमें डिक्रीजिंग वाला वैल्यू नहीं लिखना है, हमें सेम यही वैल्यू लिखना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सेम यही वैल्यू लिखना है। क्रेडिटर्स में 58,000 एंड रिजर्व एंड सरप्लस वाला अमाउंट पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इसको भी हम लिखेंगे बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस। जब पार्टनर्स उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते उस केस में हम इसकी एंट्री नहीं करते रिजर्व एंड सरप्लस की, बट पार्टनर्स इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं इसलिए हम इसकी एंट्री सेम ऐसे ही कर देंगे 42,000। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, कैपिटल अकाउंट एल एम एंड एन कैसे हो जाएगा। देखिए एल का कैपिटल कितना है 2 लाख है ना 2 लाख एंड इस जनरल एंट्री का मतलब क्या होता है, जो पार्टनर गेन करता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेशन पे करता है। 35,000 में से 7,000 इसने एम को दिया एंड 28,000 एन को दिया, तो एल का कैपिटल 35,000 से घट जाएगा, इसलिए 2 लाख में से हम 35,000 लेस करेंगे,
ये हो जाएगा 1,65,000। इसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे 1,65,000। ठीक, जो पार्टनर गेन करता है उसके कैपिटल अकाउंट में से उतना अमाउंट हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेशन पे करता है। ये हो गया। अब देखिए एम का कैपिटल कितना है, 1,00,000। 1,00,000 में हम ये ऐड कर देंगे क्योंकि एम को 7,000 मिला है एज कॉम्पेंसेशन, तो ये हो जाएगा 1,07,000। उसके बाद एन का कैपिटल कितना है, 80,000। 80,000 में हम 28,000 ऐड कर देंगे, एन को भी एज ए कॉम्पेंसेशन मिला, ये हो जाएगा 1,08,000। ये हो गया। इन तीनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3,80,000। इस साइड का हो गया, ऐड करिए, ये हो जाएगा 4,80,000। आंसर मैच करिए, 4,80,000 बैलेंस शीट का टोटल। इस साइड करेंगे कैश में सेम अमाउंट 8,000, डेटर्स में सेम अमाउंट 75,000 लेस प्रोविजन, सेम अमाउंट लिखेंगे 3,000। प्रोविजन का वैल्यू इंक्रीज हुआ है बट हम यहाँ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सेम ऐसे लिख देंगे 72,000। ये हो गया। स्टॉक का देखिए 1,80,000, सेम ये लिख देंगे 1,80,000। इंक्रीज हुआ है बट ऐड करके नहीं लिखेंगे, सेम ये लिखेंगे। फिक्स्ड एसेट सेम ये लिखेंगे 2,20,000। इसको भी ऐड करिए, ये भी हो जाएगा 4,80,000। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40 भी हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ लिखा हुआ था पार्टनर्स डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जिस एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज हुई है उसकी एंट्री पार्टनर्स नहीं चाहते हैं चेंज करके लिखना, इसलिए बैलेंस शीट में जैसे ये है सेम वैसी अमाउंट, वही सेम अमाउंट हमें लिखना है। बस कैपिटल अकाउंट का हमें चेंज कर देना है, जो पार्टनर गेन करते हैं उनके कैपिटल में से उतना अमाउंट माइनस कर देंगे, एंड जो पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं उनके कैपिटल में हम उतना अमाउंट ऐड कर देंगे। ठीक। So students, if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.